देखो, मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवत गीता सीरीज के चैप्टर 1 के 30 श्लोक में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे एंड मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाचा सकनो मई अवस्था तुम भ्रमति वाचा मे मना निमित्तानि चा पश्यामि विपारितानि केशव। आई एम नाउ एबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, अनेबल टू, सॉरी, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड इज रीलिंग। आई सी ओनली क्लॉजेस ऑफ मिसफॉर्च्यून ओ कृष्णा, किलर ऑफ द केसी डेमन। तो पहले श्लोक में हमने 29 श्लोक में देखा था कि अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उनके धनुष उनके हाथ से उनका गंधिवा जो धनुष है वो हाथ से निकल जा रहा था, उनका स्किन जल रहा था, उनका हाथ पैर कांप रहा था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फिजिकली महसूस हो रही थी। अभी वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को कि मैं यहाँ पे और खरा नहीं रह पा रहा हूँ। देखो, ईश्वर के प्रति समर्पित होके बोल रहा है, इस रियल ट्रुथ। ताकि देखिए, कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम उनसे भागते हैं, हम सोचते नहीं 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 मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, या फिर मुझे नहीं इसको फेस करना है, ठीक नहीं करवाना है। बट आपको ना कभी कभी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपका प्रॉब्लम है, तभी आप उस चीज़ को करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने जाके अपने सारे प्रॉब्लम्स को बोल रहा है कि मैं यहाँ पे खरा नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं खुद ही को भूल जा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, नम्ब जैसा लग रहा है उसको, उसको लग रहा है कि सिर्फ दुर्भाग्य ही है सामने। कभी कभी होता है हमारे जो गट फील, देखिए ये अर्जुन का गट फीलिंग में भी चल रहा था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत नहीं कर रहा था, वो सही रास्ते में था। फाइटिंग करने के रास्ते में आके कृष्ण भगवान ने उसके दिमाग को सही दिशा में लाने के लिए मदद किया। ये हमारे अंदर के भी उलझन होते हैं कहीं ना कहीं से, जो हमें अंदर भी लगता है, यहाँ पे तो रियल फाइट हो रहा है, आजकल तो रियल फाइट नहीं होता है, हमारे अंदर की उलझन के साथ में इसको कंपेयर किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद ही लगता है कि शायद हम कोई एक बैटल को नहीं जीत पाएंगे। जैसे जिंदगी में बहुत सारे चुनौती आता है, या फिर हमारे इमोशनल जो हेल्थ होता है, जो मेंटल हेल्थ, जो आज के डेट में प्राइम जो पार्ट है, उसमें हम बहुत बार होता है कि हम किसी एक समस्या में आते हैं, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते। हो सकता है हमारे पास चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, या बहुत सारे सिचुएशंस हो, हम उसको ठीक करने के लिए पहले किसी से बात तो करना पड़ेगा जो आपका आपको इस रास्ते में मदद कर सकता है। और कृष्ण भगवान से ऊपर मदद आपको कौन कर सकता है, ईश्वर से ज़्यादा मदद कौन कर सकता है। हाँ, आपको प्रोफेशनल्स लाइफ में मिल जाएंगे, लेकिन वो भी इंसान है, इतने सारे सिचुएशंस को हैंडल करते करते ना कभी कभी वो लोग भी उलझन में आ जाते हैं। तो अगर आपको जिस तरीके से भी समझ में आए कि कोई कोई ईश्वर के भावना में जाके, स्पिरिचुअलिटी में जाके ठीक करते हैं, कोई प्रैक्टिकलिटी एक कोई प्रोफेशनल या डॉक्टर के पास जाके ठीक कराने के साथ साथ ये कराता है, सो इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई समस्या चल रही है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करिए, उसको फेस करिए, उसको फिर ठीक करिए। तो यहाँ पे वो बोल रहा था कृष्ण भगवान को कि मुझे लग रहा है कि दुर्भाग्य है सामने, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं रुक पा रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है। तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये बहुत बार लाइफ में हमारे बहुत सारे सिचुएशंस में आ सकती है, उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे डिटेल्स दिया गया है, समझते हैं। ड्यू टू हिज इम्पेशंस अर्जुन वॉज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटल फील्ड एंड ही वॉज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ हिज वीकनेस ऑफ द माइंड। उसका दिमाग जो था वो स्थिर नहीं था, वो इसीलिए अपने आप को ही भूल जा रहा था, और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, नहीं फोकस भी नहीं कर पा रहा था। उसको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि कहीं गिल्ट खाई जा रही थी, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही लोगों को मैं मारने जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो उसको अंदर ही अंदर इम्पेशंस ऐसे ऐसे भर गया था कि वो एक इतना अच्छा योद्धा होने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ऐसे ऐसे होता है ना, हम जानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स का ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो इमोशनली वीक हो जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली स्ट्रांग होना कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो वो सेम ही सिचुएशन अर्जुन के साथ हो रहा था कि उसको अगर वो अभी कोई अननोन लोगों के साथ में लड़ाई करने जाए तो फटाक से लड़ाई कर लेगा, लेकिन क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ में लड़ना पड़ रहा था, वहाँ इमोशन था, तो वो नहीं कर पा रहा था। सेम एक्टिविटी था लेकिन नहीं कर पा रहा था।
एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटीरियल थिंग्स पुट्स अ मैन इन सच अ बिविल्डरिंग कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस. मैंने पिछले श्लोक को समझाते वक्त एक बहुत ही, आप देख सकते हैं पिछले श्लोक में जो 29 श्लोक में ना, मैंने बहुत ही अच्छे से अटैचमेंट के ऊपर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में श्लोक के साथ में ही उसको एक्सप्लेनेशन के बाद ऐड किया है कि कैसे अटैचमेंट हम लोगों को चीज़ों में उलझ के रख देती है, हमें प्रॉब्लम्स में डाल देती है. अटैचमेंट हमेशा ही, अटैचमेंट मतलब क्या, आप डिपेंडेंट हो गए किसी और के बिहेवियर के ऊपर. वो आपको, आपसे बात कर रहा है तो आप खुश, वो आपसे दूर जा रहा है तो आप दुखी, वो आपको समय नहीं दे रहा है तो आप दुखी, वो आपको समय दे रहा है तो आप खुश. आपको फ्लावर्स चाहिए, आप खुद खरीद लीजिए, नहीं वो देगा तो आप खुश. तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, आप जब किसी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम्स होती है. तो इमोशनली इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर निर्भरशील ना होना और खुद की खुशी का कारण खुद बनना. वो अगर कुछ दे रहा है वो इज अ ऐड ऑन, इज अ बोनस. आपको जितना भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि हाँ मुझे इतना मिल रहा है. लेकिन जब भी आप अटैच हो जा रहे हैं ना, अपना लाइफ का जो कोटा है उससे ज़्यादा आप मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको जितना भी मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल ना होकर आप और चाहते हैं, तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स महसूस होती है. भयम दिव्य भिनी वेशत यत सच फियरफुलनेस एंड लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन पर्सन्स हु आर टू अफेक्टेड बाई मटीरियल कंडीशंस. जो मटीरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, मटीरियल पोजेशंस या लोग भी कहीं ना कहीं जब मटीरियल वर्ल्ड में, अर्थ में एज अ ह्यूमन घूम भी रहे, वो भी मटीरियलिस्टिक सिचुएशन के जैसा ही हो जाता है. कोई इंसान आपको आप चाहिए या कोई सामान आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए होता है ना वो आपको मटीरियल बना लेता है. स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, आप खुद को फ्री कर लेते हो, एकदम फ्रीडम आ जाती है आपके अंदर. तो यहाँ पे जैसे ही आप मटेरियल चीज़ों में खुद को उलझ के रख दोगे कि ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होगी. आपको अंदर ही अंदर एक इम्पेशेंस ऐसा लगेगा. जब भी आप ईश्वर के प्रति छोड़ दोगे ना चीज़ को, तब आप एकदम फ्री हो जाओगे, इतना पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर, आपको कुछ डर ही नहीं लगेगा. आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको पता होगा, अरे हरे कृष्णा है ना वो बचा लेंगे, ईश्वर है ना वो बचा लेंगे, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से मैं बच जाऊँगी, आराम से मैं बच जाऊँगा. आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे एंड ईश्वर को ट्रस्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा लाइफ. अर्जुन envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. तो उसको सिर्फ पेनफुल चीज़ ही वो देख रहा था. अपने जो एंटी थे उनको हरा कर भी उसको खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इमोशनली उन लोगों से अटैच्ड हो गया था. जो अभी हमें बताया ना कि अगर दूसरे लोगों से फाइट करता तो उनको हरा के जो उसको आराम से कर पाता, यहाँ पर क्योंकि फैमिली मेम्बर्स थे इसीलिए उसको नहीं हो पा रहा था. The words निमित्तानि विपरीतानि are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? ऐसा होता है ना लाइफ में, कुछ एक हो गया. मान लीजिए आपने किसी को बहुत चाहा, ठीक है, इससे ऐसे बताते हैं, किसी को बहुत चाहा, अभी थोड़ा बहुत उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि नहीं चल पाया, ठीक है, वो रिश्ता ख़त्म हो गया बाई चांस, आपके तरफ से उसके तरफ से बीच में कुछ लोग आने, वट एवर इज़ द रीज़न, हो गया, ठीक है, फैमिली के वजह से होता है, ठीक है. तो क्या हुआ उससे, आप ना ऐसे सोचे, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा कैसे, मैं इस चीज़ में क्यों पड़ गई, मैं इस चीज़ में क्यों पड़ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ये बोला जा रहा है ना कि इंसान को, व्हेन अ मैन सीज ओनली फ्रस्ट्रेशन इन हिज एक्सपेक्टेशंस ही थिंक्स व्हाई एम आई हियर. जब उसको इसका कोई ना कोई एक अच्छा पॉइंट रहता है, हर चीज़ जो भी दुनिया में आपके साथ घटेगी, आपको याद रखना है कि हर एक चीज़ घटने के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई रहती ही रहती है. उस टाइम शायद आपको नहीं दिख रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बाद में आपको पता चल रहा है दोस्तों अच्छा ही हुआ था कि वो चीज़ हुआ था, बाद में होता है. ये चीज़ अगर आप दिमाग में फिक्स कर लेते हो ना कि भगवान जो करेंगे ना मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ मंगल ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, मेरे साथ दी बेस्ट हो रहा है, आई एम लकी, आई एम गेटिंग द बेस्ट इन माई लाइफ, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा चीज़ हो रहा है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, ऐसे अफॉर्मेशन दे के खुद को और स्ट्रॉन्ग फील कराइए और इस चीज़ को बिलीव करिए कि आपके साथ अच्छा ही हो रहा है. अब देखिएगा नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन घूम फिर के आपके ही फेवर में होते हुए कुछ दिखेगी, क्योंकि हर चीज़ में अच्छी चीज़ अच्छाई रहती है, दिखती नहीं है उस टाइम पे, तब इंसान इरिटेट होता है, लेकिन अच्छाई रहती ही है, ठीक है.
कुछ चीज कर्म रहते हैं, आप बोल सकते हो हाँ कोई इंसान ने किसी को इनोसेंट को मार दिया, वो सारे गलत चीजें हैं, लेकिन उससे ये चीज भी पता चलती है कि वो शायद और एक स्टेप अहेड अलर्ट रह सकता है आगे की जिंदगी में। ठीक है, कुछ चीजें अनएक्सप्लेन्ड है, उस टाइम समझ में नहीं आता, शायद मैं भी नहीं समझा पाऊंगी कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, किसी को किसी इनोसेंट के साथ कुछ गलत हो गया या फिर किसी देश में कुछ हो गया, ये सब चीजें मैं भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इसमें अच्छाई कहाँ से है। लेकिन आपके लाइफ में, आप जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं ना, उसमें जो छोटे मोटे उलझन आते रहते हैं, आपको उसमें ट्रस्ट रखना ही होगा कि जो भी उस हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई कारण तो रहता है। हो सकता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे कारण नहीं है। आपको इस चीज़ को बिलीव करना ही होगा कि आप, मतलब करके देखिए, मैंने देखा है इसको बिलीव करने की कोशिश करके कि ईश्वर आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, आपको बचा ही रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, ईश्वर के मतलब गोदी में आप हो, इस चीज़ को बिलीव करो, आप देखोगे। हो सकता है किसी किसी को लगे कि कैसे बोल रही है, आप देखना इस चीज को, अगर कर सकते हो करके देखना, इसमें आपको महसूस होगी कुछ डिफरेंस। ईश्वर के हाथ में ट्रस्ट करके चीजों को छोड़ना स्टार्ट करो, ट्रस्ट करके छोड़ दो उनके हाथ में, ठीक है ईश्वर मुझे बचाएंगे। सबको फाइनली तो कृष्ण भगवान से, ईश्वर से ही मिलना है ना सबको, तो हम पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड है, सुप्रीम ऑलमाइटी से ही मिलना है, तो छोड़ दो ना उनके हाथ में, वो बेस्ट ही करेंगे। और अगर आपके साथ में लाइफ में आपको कुछ एक चीज लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद वो वैसे होना चाहिए था, आपको नहीं समझ आ रही है, मुझे मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है जो मुझे लगता है कि ये ऐसे क्यों हुआ, बट मैंने सोचा है कि हाँ इस चीज में तो ये चीज अच्छा हुआ, वो चीज अच्छा हुआ, बहुत सारी चीजें अच्छे होते हैं, उस टाइम पे शायद समझ नहीं आता है लेकिन होता है। चलिए इसको फिनिश करते हैं। ओके, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सुप्रीम सेल्फ, अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल। ठीक है, तो अर्जुन भी यहाँ पे इग्नोरेंस के मोड से वो पूरा एकदम सुपीरियर मोड में जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हर एक इंसान अपने बारे में सोचा कि मेरी खुशी मेरी चीजें, मतलब ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पा रहे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, मेरी फैमिली मेरी, ये हर एक अपने बारे में सोच रहा है, हर एक इंसान अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। हाँ सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, लेकिन एक डिफरेंस होता है ना सिर्फ अपने बारे में सोचना और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करके खुद से प्यार करना, खुद का टेक केयर करो, खुद का देखभाल अवश्य ही करो, लेकिन ईश्वर के प्रति चीजों को ट्रस्ट करके छोड़ना भी स्टार्ट करो। वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु और कृष्णा, द कंडीशन सोल फॉरगेट्स दिस एंड देयर फोर सफर्स मटीरियल पेन्स। ईश्वर के प्रति समर्पण में ही, क्योंकि ईश्वर जो है ना सबके देखभाल करते हैं, आप अपने साथ साथ जब सबका देखभाल करोगे तो आप ईश्वर के काम को इजी करने में एक स्टेप अहेड जाओगे। ईश्वर का दायित्व है सारे लोगों को या सारे लाइफ को केयर करना, अगर आप अपने साथ साथ मान लीजिए एनिमल्स का या प्लांट्स का या कुछ और लोगों को जो थोड़ा सा वीक है या जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनका अगर हेल्प करोगे तो आप विष्णु के पथ में या कृष्ण के पथ में उनके ही काम को थोड़ा एक स्टेप अहेड इजी कर दोगे, आप उनको हेल्प कर रहे हो। ईश्वर का एक अंश बाकी बहुत सारे अंश को अगर मदद करे या अंश के लाइफ को इजी करे तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर का ही एक काम आप थोड़े इजी कर देते हो, थोड़ा सिंपल कर देते हो, तो उसमें क्या होता है आपको भी सुकून मिलती है, मटीरियल पेन्स से भी आप बच जाते हो, क्योंकि आपको किसी को हेल्प करके जो अंदरूनी खुशी मिलती है ना वो अनएक्सप्लेन्ड है, उसमें एक अलग सी ही आपको खुशी मिलेगी। अर्जुन थॉट दैट हिज विक्ट्री इन द बैटल वुड ओनली बी अ कॉज ऑफ लैमेंटेशन फॉर हिम, उसको सिर्फ अपने ही दुख में वो खोया हुआ था। इस श्लोक में हम यही समझ रहे हैं कि अर्जुन कैसे अपने इग्नोरेंस में फंस गया था, वो निर्बुद्धि जैसा बिहेव कर रहा था, अपने चीज़ों में उलझ गया था, मटीरियल पेन्स में उलझ गया था। आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि वो और क्या फील कर रहा है, एंड श्लोक 30 तक आज हमने किया, उसका जो अंदर ही अंदर जो उसके पेन को वो थोड़ा और बोलेगा और फिर कृष्ण भगवान कैसे उस चीज़ को चीज़ से उसको निकालेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 श्लोक तो हमने आज तक कर ही लिया और 16 श्लोक के बाद में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, तो कल मिलते हैं श्लोक 31 के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।